नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जब बात करने वाले हैं कि सामान्य बीए या बीएससी कोर्स करने और बीए या बीएससी एडिशनल कोर्स करने में आखिरकार क्या डिफरेंस है, इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है, डिटेल में इस वीडियो में जो है वो इन दोनों चीज़ों को बारीकी से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला कि सामान्य बीए या बीएससी करने और बीए बीएससी एडिशनल कोर्स करने में क्या डिफरेंस है वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सामान्य बीए या बीएससी कोर्स अगर आप लोग 12वीं के बाद करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बीए या बीएससी में एडिशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले बीए या बीएससी की जो डिग्री है वो चाहिए। मतलब आपको पहले जो अपनी ग्रेजुएशन अंडर जो ग्रेजुएशन है यूजी आप लोगों को कंप्लीट करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर आप लोग चाहे बीए से कर रहे हैं या बीएससी से कर रहे हैं, पहले आप लोगों को बीए या बीएससी का 3 साल का डिप्लोमा लेना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप लोग जो है वो बीए या बीएससी एडिशनल कर सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस यही है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट, सेकंड डिफरेंस है कि सामान्य बीए और बीएससी जो कोर्स है वो 3 साल का होता है, ठीक है। लेकिन बीए या बीएससी एडिशनल कोर्स है वो 3 साल के बाद में 1 साल और लगाकर किया जाता है, तो यानी कि सिर्फ 1 साल का ही होता है बीए या बीएससी एडिशनल कोर्स। आई समझ में? इसके बाद में हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड डिफरेंस की, कि सामान्य बीए या बीएससी कोर्स में हमें जो है वो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि बीए या बीएससी जो करते हैं आप लोग, उसमें जो है आप लोगों को 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, जबकि बीए या बीएससी जो एडिशनल कोर्स में आप लोग करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ 1 सब्जेक्ट ही लेना पड़ता है। पूरे कोर्स आपको सिर्फ इसी 1 सब्जेक्ट में जो है वो आप लोगों को एग्ज़ाम देनी पड़ती है। जिस प्रकार से सामान्य बीए या बीएससी कोर्स में प्रत्येक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 3 सालों में, ठीक है, 3 सालों को मिलाकर जो आप लोगों के 6 पेपर लगते हैं, ठीक है, बीए में 6 पेपर और बीएससी में वो 9 पेपर हो जाते हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार बीए या बीएससी एडिशनल कोर्स में भी आपके द्वारा चुने गए सब्जेक्ट के आपको टोटल 6 पेपर ही देने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका सामान्य ग्रेजुएशन कोर्स में हर सब्जेक्ट के सभी 6 पेपर आपको 3 सालों में देने पड़ते थे, जबकि जब आप लोग एडिशनल कोर्स करते हैं तो आपको सिर्फ 1 साल में, सिर्फ 1 साल में उस सब्जेक्ट के सभी पेपर देने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग ही समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे पढ़ते हैं। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अगर बीए या बीएससी एडिशनल कोर्स भी एक प्रकार का जो है वो ग्रेजुएशन कोर्स ही कुछ अलग नहीं है, हालांकि यह सिर्फ 1 साल का ही होता है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कि एक सामान्य बीए या बीएससी कोर्स की होती है। इसलिए अगर आपके ऑलरेडी आप लोगों ने जो है वो ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, यूजी बीए या बीएससी कर ली है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि आपको जो है वो ग्रेजुएशन करी थी तब उसका जो है वो कोई परफेक्ट या जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट आप लोगों का जो भी था, ठीक है, परफेक्ट आप लोगों का जो सब्जेक्ट था वो आपने अपनी ग्रेजुएशन में नहीं चुना था, ठीक है, कोई सब्जेक्ट आप लोगों का फेवरेट था वो आप लोगों ने नहीं चुना, तो अभी आप जो है वो इस एडिशनल कोर्स के माध्यम से 1 साल में उस सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट ही कहलाएंगे, कुछ अलग नहीं होने वाला है। आई थिंक आप लोगों को बीए बीएससी जो सामान्य आप लोग करते हैं और बीए बीएससी एडिशनल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।